Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 9 hai mere khayal se. Lecture number 9 of the topic called sets. Abhi pata chal raha hai lecture number 10 hai. Lecture number iske 13 14 tak jayenge. Is chapter ne ab wo cheez pakad li hai jo exam mein aane wali hai. NCERT ki exercise 1.5 karane mein mujhe thoda sa dar lagta tha kyunki isme Venn diagrams hote hain. But we will discuss this exercise, ek ek question karenge. NCERT ki 1.5 ka question number 1 ye raha aapke samne. Dhyan se dekh lena, let u यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आराम से क्वेश्चन देखो, मुझे पॉज कर लिया करो. सेट ए दे रखा है 1 2 3 4. सेट बी दे रखा है 2 4 6 8. सेट सी दे रखा है 3 4 5 6. हमसे मांगा गया है एक कॉम्प्लीमेंट. एक कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ए के पास नहीं होता. जैसे कि इसके पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 के अलावा ए के पास क्या नहीं है? 5 6 7 8 9. आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको मेरी ज़रूरत पड़ी होगी. वैसा ही क्वेश्चन है बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी के पास नहीं है. 2 4 6 8 के अलावा तो 1 3, अगर क्लास देख रही हो तो 5 7 और 9, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट. जी हाँ, ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट. अब हमसे पूछा जा रहा है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड ए यूनियन सी निकालते हैं. कॉम्प्लीमेंट तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, पहले ए यूनियन सी तो निकाल लो. तो ए और सी का यूनियन करो. ए यूनियन सी इज गोइंग टू बी 1 2 3 4. तो ए से आ गया 1 2 3 4, तो ए से आ गया. 3 4 सी में भी था, 5 6. ये जो टैब वैब पे करने से फ़ायदा ही होता है, थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाता है. डबल कलर मींस थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए. तो अगर ए यूनियन सी ये है तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी जो ए यूनियन सी के पास नहीं है. 1 2 3 4 5 6 तक तो है ए यूनियन सी के पास. जो नहीं है वो है 7 8 और 9. ये आ गया ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. आई होप मैं ये समझा पा रहा हूँ. अगला फिर पूछा गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड मेरे प्यारे बच्चों ए यूनियन बी. अब अगर ए यूनियन बी की बात हो रही है तो ए और बी को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों. 1 2 3 4 तो ए से आ गया. 1 2 3 4 तो ए से आ गया. 2 और 4 है, 6 और 8 आ गया हमारे पास बी से, ए यूनियन बी में. अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 2 3 4 जो यूनिवर्सल सेट में है मगर इनके पास नहीं है. 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है. दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. आई डोंट थिंक सो मेरी इसमें ज़रूरत पड़ रही होगी. आप आराम आराम से ये क्वेश्चन मुझसे पहले ही कर चुके होंगे. वेरीफाई आपने पीछे से कर लिया होगा, एनसीईआरटी में पीछे आंसर्स दिए होते हैं. अगला बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. तो पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट. खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ए 1 2 3 4 है. तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा 5 6 7 8 9 जो ए के पास ना हो. तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो इसके पास ना हो वो होगा 1 2 3 4. तो देखा जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया ए. ये प्रॉपर्टी थी, ये मैंने आपको पीछे भी कराई थी और ये मैंने आपको एग्जांपल से भी करा दिया है. अगला बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. इस टाइप का क्वेश्चन एक मिनट के लिए तंग कर सकता है. तो सबसे पहले लिखूंगा लेट अस फर्स्ट फाइंड बी माइनस सी. ये आपका बी है, ये आपका सी है, दोनों में कॉमन आ रहा है 4 से 4 गया और 6 से 6 गया. और क्योंकि बी माइनस सी बोला है तो बी में बचेगा 2 और 8 बचेगा 2 और 8. ये हमने कैलकुलेट करा है बी माइनस सी. सो देयर फोर बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट विल बी 2 और 8. यहाँ आ गया तो बचेगा क्या मेरे बच्चों? 1 2 ऊपर है, 3 4 5 6 7 8 इसमें है, 9 बचेगा. दिस इज बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. आई होप कि आपके 4-5 मिनट वेस्ट ना हो, ये क्वेश्चन आपने खुद से कर लिया हो. अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर भी हमारी कमिटमेंट है तो हम कराएंगे.
यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, उन्होंने बोला फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, उसी के नीचे लिख देंगे अगर ए ये है तो ए कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी डी ई एफ जी एच, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी ए है तो बी कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी ए, जो इसके पास नहीं है बी सी डी है ई एफ जी एच। 1% चांस हो सकता है कि कहीं जल्दबाजी में मैं कुछ गलत ना कर दूं, तो एक बार एनसीईआरटी के पीछे से भी वेरीफाई कर लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं आगे चलता हूं तो ए सी ई जी का कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी ए ऊपर है बी, सी ऊपर है डी, ई ऊपर है एफ, जी ऊपर है एच, और बस दैट्स इट, दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट। अब आता है डी कॉम्प्लीमेंट। मेरे प्यारे बच्चों ए यहां दे रखा है, मैं एक बार बुक से भी चेक कर लूं, ए है तो बी सी डी ई एफ जी एच ऊपर है, तो ये आ गया हमारा डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो डी के पास नहीं है, जो डी के पास नहीं है उन्हें बोलेंगे डी कॉम्प्लीमेंट। पेज नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, समझ आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। जिस भाषा में सवाल पूछा जाए उसी भाषा में जवाब देना, जिस भाषा में आपसे सवाल पूछा जाए उसी प्रेजेंटेशन से जवाब देना। जैसे कि मेरे बच्चों XX इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर और उन्होंने बोला है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द क्या मेरे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट। XX इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट विल बी XX इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर समझ आया है तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, टेकिंग द सेट नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिटी तक। अगर इवन नंबर एक सेट है, इवन नंबर का मतलब हुआ 2, 4, 6, 8 ... इन्फिनिटी तक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, 3, 5, 7 जो इसके पास नहीं है। जैसे कि सेकंड वाला बोल रहा है XX इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये सेट क्या है 1, 3, 5, 7, 9 ... इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा X" इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इज अ सेट ऑफ क्या बेटा, इवन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो अगला, XX इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, XX इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3, 6, 9, 12 ... ऐसे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा X" इज अ सेट ऑफ नॉन मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ 3, इज अ सेट ऑफ नॉन मल्टीपल्स ऑफ 3 या सेट ऑफ पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव नॉन मल्टीपल्स ऑफ 3, इसका कॉम्प्लीमेंट जो इसके पास नहीं होंगे। अगर एक में 3 के मल्टीपल आ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो जिसमें 3 के मल्टीपल नहीं आ रहे। अगला बोला है XX इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं जाते, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो नंबर्स जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और टेबल में भी जाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट होगा X" इज अ सेट ऑफ क्या मेरे बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा जैसे कि 2, 3, 5 ये 7, 9 नहीं होगा, 11, 13 ... वो नंबर्स जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और के टेबल में नहीं जाते उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और वो नंबर्स जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और के टेबल में जाते हों, जैसे कि आप लोगे इसमें 4 लोगे, 6 लोगे, 8 लोगे, वो नंबर जो किसी के टेबल में जाते हों। मैं एक बार चेक कर लूँ पीछे कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 का, XX इज अ पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर एंड X इज इक्वल्स टू 1 भी दे रखा है, क्योंकि 1 कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर भी नहीं होता, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होता, ये बात याद रख लेना। तो साथ में X इज इक्वल्स टू 1 यहाँ आएगा, क्योंकि 1 यहाँ नहीं था,
बट वन यहाँ आएगा, बट वन कॉम्पोजिट नहीं है तो अलग से लिख दिया एंड x इज इक्वल्स टू वन. अगला x x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5. वो नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो x x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5. तीन और पांच से डिविजिबल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो तीन और पांच के टेबल में नहीं जाएगा. एज सिंपल एज दैट. एक्स एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स डबल डॉट एक्स इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो किसी का स्क्वायर ना हो. एक्स एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो. अगला बोल रहा है एक्स एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स डबल डॉट एक्स इज नॉन परफेक्ट क्यूब्स, नॉन परफेक्ट क्यूब्स. एक्स डबल डॉट एक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, तो कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स डबल डॉट एक्स प्लस फाइव मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू एट. यहाँ पर x प्लस फाइव एट के बराबर आ रहा है, तो आप इसको चाहो तो x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू एट है, तो x इज इक्वल्स टू थ्री आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x डबल डॉट x नॉट इक्वल्स टू थ्री. चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल हैं. यहाँ पर बोला है टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू नाइन, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x डबल डॉट x सॉरी टू एक्स प्लस फाइव नॉट इक्वल्स टू नाइन. चाहो तो यहाँ सॉल्व कर दो, टू एक्स इज इक्वल्स हो जाएगा नाइन माइनस फाइव, 2x is equals to 4, तो x की वैल्यू आ रही है 2. आप चाहो तो x double dot x not equals to 2 भी लिख सकते हो. x double dot x is a number greater than equal to 7, तो इनका कॉम्प्लीमेंट होगा x double dot x is a number less than 7. 7 या 7 से बड़ा तो एक सेट में है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 7 से छोटा. आई होप मैं जल्दी जल्दी ना करा रहा हूँ. x double dot x is such that 2x plus 1 is greater than 10, 2x is greater than 10 minus 1, 2x is greater than 9, x is greater than 9 by 2. So x double dot x belongs to natural number and x is less than equal to 9 by 2 aa jayega. 9 by 2 se bade number, 9 by 2 se bade number idhar hain, to 9 by 2 aur usse chote number uske complement mein aa jayenge. Ye puri exercise complement based hai. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ ए यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो मैंने सबसे पहले एलएचएस ली एंड यहां लिखूंगा लेट अस फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी. आराम से माता रानी का नाम लेके, ये ए है ये बी है, दोनों का यूनियन निकालो. 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7, दोनों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ एक 2 ही कॉमन था, बाकी दोनों एलिमेंट्स अलग थे. तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी 1, 9. ये मेरा आया है एलएचएस. अब मैं निकालने वाला हूँ इसका आरएचएस, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. आराम से देखना ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. 2, 4, 6, 8 है, तो कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 2 नहीं होगा, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9, जो ए के पास नहीं है. इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो बी के पास नहीं है. 1, 2, 3, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा और 9 होगा. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों के पास हो. 9 इसके पास भी है, 9 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है. इसके अलावा इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन विल बी 1, 9. सो दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इस चीज को
ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगने वाली है, ये ध्यान से देख लेना, और मैं इसको यूज करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अगर क्लास साथ है तो. फिलहाल हमने ये किया है, अब हम आगे चलते हैं. वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है कि आपको ये वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अगर क्लास देखे तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले LHS लिखूंगा. लेट अस कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट. ए इंटरसेक्शन बी में मैंने ए को देखा, मैंने बी को देखा, दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, टू. दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं है. एक दो है बस, तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. अब मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट RHS यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. उसके लिए मैंने पहले निकाला ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि मेरे पास अलग से निकालूंगा. ए कॉम्प्लीमेंट है दो चार छः आठ, अगर ए है तो कॉम्प्लीमेंट विल बी वन थ्री फाइव सेवन नाइन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अगर बी दो तीन पाँच सात है तो एक चार छः आठ और नौ, जो बी के पास नहीं है. अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो एक आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, छः आ गया, सात आ गया, आठ आ गया, नौ दोनों में है, एक बार नौ भी आ गया. अगर क्लास ध्यान से देखे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट LHS इज इक्वल्स टू RHS. अगर ध्यान से देखने को इसलिए बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसे करने के बाद अगर मुझसे वो बोलता है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर क्लास सात है तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है. अगर आप मेरे ए हो और आप मेरे बी हो तो आप मेरे कौन हो? आप जो हो, ये जो मैं ये वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, हे भगवान जरा सा भी बाहर ना जाए, कलर ठीक हो, हम भगवान को ना मुश्किल सिचुएशन में डाल ले आते हैं, आसान में अपने आप सारा क्रेडिट ले जाते हैं. ये जो पोर्शन है मोव कलर का, जो कलर हमारे लाइए, अब छोड़िए, ये कलर और जो बाहर का कलर है ये, अब अगर क्लास समझ रही हो तो क्लास को आइडिया लग गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं. दिस पोर्शन इज कॉल्ड might have missed the bus but I will make my own bus. अब अगर क्लास ध्यान से देखे तो सर जी जो ये वाला हिस्सा है वो ए यूनियन बी है, और सर जी ये जो पिंकी आंटी हैं ये वाला हिस्सा जो है ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. और सर जी ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वही होता है ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो इसका भी यही डायग्राम है और इसका भी यही डायग्राम है जो हमने पीछे किया है. आगे बढ़ते हैं, आगे वाला वेन डायग्राम बोलता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाइए. देखते हैं, सबसे पहले बनाया ये बनाया ए, ये बनाया
बी, और ये वाला जो पोर्शन है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसके अलावा, इस पोर्शन के अलावा, इस पूरे बोर्ड पे जो जो भी आपको दिख रहा है, जो जो आपको दिख रहा है वो सब कौन होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत है और मैं लक कैसे कर दूंगा, ये वाला पोर्शन, सारा पोर्शन, जी हाँ, छोटा पोर्शन नहीं, सारा पोर्शन। दिस पोर्शन इज कॉल्ड, जी हाँ, जिसमें ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। और अगर क्लास का कॉन्सेंट्रेशन लेवल 7 है, ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी एक बार देख लेना, इसमें ये भी आ जाएगा, बस रेड वाला पोर्शन जो हमने किया है उसके अलावा सब। तो अगर ये ए इंटरसेक्शन बी है तो बाकी जो पोर्शन है, दैट इज़ ये येलो वाला पोर्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, जो कि इसी के बराबर होता है जो हमने यहाँ पर करा है। आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये दोनों का डायग्राम सेम होगा। आई होप मैं जल्दी जल्दी नहीं जा रहा। अब ये वाला क्वेश्चन अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे समझाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, मुझे समझाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। वो कह रहा है, लेट यूनिवर्सल सेट बी अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ए इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, एट लीस्ट एक एंगल 60 नहीं होगा, दूसरा वो होगा जिसमें कम से कम दो एंगल 60 नहीं होंगे, और तीसरा वो होगा जिसमें तीनों एंगल 60 नहीं होंगे। बेटा इसको ध्यान से समझना, मैं एज अ टीचर समझाने में गड़बड़ कर जाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये कैसे ट्राइंगल्स का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 नहीं होगा, एटलीस्ट एक 60 नहीं होगा, मतलब कम से कम एक 60 नहीं होगा, या दो 60 के नहीं होंगे, या तीनों ही 60 के नहीं होंगे। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा जब दो 60 के नहीं है, समझना मेरी बात को, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा जिसके अंदर तीनों एंगल्स जो होंगे वो किसके होंगे, 60 डिग्री के होंगे। प्लीज़ इस बात को समझना, अगर एक 60 का नहीं है, एक 60 का नहीं है, तो बाकी दो भी 60 के नहीं हो सकते। एक 60 का ले लेंगे, यहाँ 70 ले लेंगे, 70 ये 50, ये एक 60 का नहीं है, इसको सेटिस्फाई करता है। अगर दो लेता हूँ 50 ले लेता हूँ, 80 ले लेता हूँ, तो दूसरा नॉन 60 आएगा। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा जिसमें तीनों 60 आए, एक में एटलीस्ट एक 60 ना हो, दो 60 ना हो और तीन 60 ना हो। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा जो जिसमें तीनों 60 आए, तीनों 60 जिसमें आते हैं उसे बोलते हैं सेट ऑफ इक्वी लेटरल ट्राइंगल्स। इसको एक बार और दोबारा से देख लेना। अगला लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आपने करा हो, जहाँ लगे मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ब्रेक ले लिया करो ताकि आप उसको आराम से कर सको। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए को वो मिल जाए जो ए के पास नहीं है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इनको जोड़ दूँ तो पूरी दुनिया मिल जाएगी, जहान मिल जाएगा। फाई इंटरसेक्शन ए, फाई और ए में, सेकंड पार्ट मैंने गलत उतारा, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब खाली का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, ये यूनिवर्सल है और ये ए है, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी ए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है जय माता दी कुछ नहीं, मतलब फाई। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होगा फाई, इंटरसेक्शन ए कुछ नहीं, और ए में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और ए में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, सो दिस इज द आंसर फाई। ये करने के बाद हमने 1.5 कंप्लीट कर ली है, 1.5 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1.6 और उससे पहले के कुछ कंसेप्ट्स। 1.6 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ समझ आने में दिक्कत हुई हो तो एक बार उसको एक बार और देख लेना। थैंक यू, फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।